तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये डेड मोबाइल फोन के ऊपर हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा या डेड मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे करते हैं। डेड फोन के ऊपर ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये तीसरा टॉपिक होने वाला है, ये थर्ड टॉपिक होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि डेड मोबाइल फोन के ऊपर कम से कम मैं 50+ वीडियो देने वाला हूं, 50+ वीडियो देने वाला हूं कि आप डेड मोबाइल फोन को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या डेड मोबाइल फोन को ठीक करने का तरीका क्या है। अगर बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि डेड मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस सब चीज के बारे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अगर दोस्तों, अगर इतनी सारी वीडियो अगर आपने देख लिया तो मुझे लगता है कि डेड मोबाइल फोन को आपको रिपेयर करना आपके भाई हाथ का खेल हो जाएगा, इतनी बड़ी बात मैं कहता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है ऐसा रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, और जितने भी हमारे पास स्टूडेंट जो लोग सीखने आते हैं तो पूरा ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका बिल्कुल सीख करके जाते हैं, और रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनकी हैंड स्किल परफेक्ट कैसी करी जाती है, या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, इन सब चीजों के बारे में सीख करके जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हम लोग सीखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है डेड फोन के ऊपर। तो आज हमारा दोस्तों जो डेड फोन के ऊपर जो तीसरा टॉपिक होने वाला है, ये थर्ड टॉपिक का मतलब ये है कि हम लोग सीखेंगे डेड फोन को मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। डेड मोबाइल फोन को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाएगा, मतलब कोई भी बंद मोबाइल फोन आता है, ये जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन बंद है। इससे पहले की वीडियो में मैंने जनरल टेस्टिंग बताई कि कोई भी डेड फोन आएगा तो आप उसको कैसे पहचानोगे, कैसे चेक करोगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो आप देख लें, जिससे आप ये वीडियो समझने के लिए बिल्कुल मजबूत हो जाएं और ये टॉपिक को अच्छे समझें कि डेड मोबाइल फोन को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। क्योंकि कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है, उस डेड मोबाइल फोन को मल्टीमीटर से आप कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी मोबाइल फोन है यदि डेड फोन आ रहा है आपके पास ठीक होने के लिए, तो डेड फोन को रिपेयर करने के लिए दो तरीके से टेस्टिंग होती है। पहला कूल टेस्टिंग, दूसरा होता है अपना हॉट टेस्टिंग। मतलब डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, आप कह सकते हैं एक होता है कूल टेस्टिंग, दूसरा क्या होता है हॉट टेस्टिंग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग को समझेंगे। ये कूल टेस्टिंग ही मल्टीमीटर की चेकिंग कहलाता है, कि मतलब कूल टेस्टिंग जो चेक करते हैं उसी को हम लोग मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करते हैं, और मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करके हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा। अच्छा, ये दोस्तों जो मैं आपको बताता हूँ ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हम इतने सालों से काम करते आए हैं या उसको चेक करते आए हैं, या बहुत सारे टेक्नीशियन लोगों ने रिपेयर कर रखा है, उसके हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। और उस चीज को समझें और अपने लाइफ में फॉलो करें, उसके हिसाब से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को क्या करेंगे, रिपेयर करें, रिपेयर करने के बाद अच्छे से काम कर सकें। कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है तो उसको इजीली तरीके से आप क्या करें, चेक कर सकें। अब देखो कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, डेड फोन को जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आप बैटरी कनेक्टर से टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। कहां से टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, बैटरी कनेक्टर। जैसे आपके पास ये मोबाइल फोन का प्लेट है, उस प्लेट के अंदर जो आपका बैटरी कनेक्टर लगा है, बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस। यहां पर प्लस और माइनस पे ही हम लोग डेड मोबाइल फोन की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, उसका करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, डेड फोन चेक करना है, बैटरी कनेक्टर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर जो होता है उसको बी पॉइंट पर लगाएंगे। कहां पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर। यह मल्टीमीटर लिया, इस मल्टीमीटर को दोस्तों कहां पर सेट कर दिया, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर
इस तरीके से बी पॉइंट पर इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद सबसे पहली बात आपके प्लस माइनस दोनों पिन लेना है, प्लस माइनस पिन को ऐसे इस पर टच करना है, प्लस माइनस की जो पिने हैं उन प्लस माइनस के पिनों को क्या करना है, टच करना है। जब प्लस माइनस पिनों को टच करेंगे तो टच करने के बाद इसमें अलग अलग तरीके से जीआर वैल्यू आती है। क्या आती है दोस्तों, जीआर वैल्यू। क्या जीआर वैल्यू आती है, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया और इसका बैटरी कनेक्टर पे आपने क्या किया, चेक किया। जब बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अलग अलग तरीके से जीआर वैल्यू आती है। जीआर वैल्यू को बोले तो ग्राउंड रीडिंग, क्या बोलते हैं, ग्राउंड रीडिंग। ग्राउंड रीडिंग हम लोग इसके हिसाब से पहचानते हैं। जैसे प्लस माइनस पे हम लोग चेक करेंगे, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर में दो प्रोब होती है प्लस माइनस, प्लस माइनस को बैटरी कनेक्टर पे लगाया। अभी मैं आपको चेक करके प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा अभी, और उसके क्या क्या मायने होते हैं उसका तरीका भी समझाऊंगा। जैसे सबसे पहली चीज, जब आप उसको चेक करेंगे, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर 250 से 500 वैल्यू बताता है और दूसरी तरफ से 1 बताता है, यदि अपने पास कोई भी मोबाइल फोन आया, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट किया, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद एक बार आपने ऐसे चेक किया, फिर एक बार आपने पलट के चेक किया, मतलब दो बार आपको चेक करना है, एक बार ऐसे चेक करना है और एक बार ऐसे चेक करना है। जैसे आप पलट करके चेक करेंगे तो पलट के चेक करने का मतलब होता है दो बार चेक करना, एक बार इधर से चेक करना, एक बार इधर से चेक करना। अगर एक साइड से चेक करने पर 250-500 वैल्यू आती है, दूसरी तरफ से वैल्यू आती है 1, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इसकी भाषा में ओके कंडीशन। ओके कंडीशन से हमको यह पता चलता है कि हमारे मोबाइल फोन का जो बैटरी कनेक्टर का जो सप्लाई ट्रैक है वो सप्लाई ट्रैक हमारा सही है, मतलब जो प्राइमरी लाइन है वो हमारी प्राइमरी लाइन सही है, मेन लाइन हमारी सही है, बैटरी कनेक्टर में रीडिंग हमारी सही बता रही है, तो इससे बोर्ड का हमको ओके का पता चलता है कि भाई बोर्ड हमारा सही है। उसके अलावा और भी कोई चीज खराब हो जाती है तो उसका भी आगे का स्टेप है मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले फर्स्ट स्टेप में आप ये क्लियर करेंगे कि बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर की सप्लाई दोस्तों हमारी सही है। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन बनती है, जब आप बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं देता। अगर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं देता तो कोई वैल्यू ना देने का मतलब होता है कि बैटरी कनेक्टर की अंदर की सप्लाई हमारी ब्रेक हो गई है। कोई वैल्यू का मतलब नो वैल्यू देना, नो वैल्यू का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इसकी भाषा में ओपन कंडीशन। क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर आपने प्लस माइनस में एक बार ऐसे चेक किया और आपने पिन को पलट के ऐसे चेक किया, अगर चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं आती तो कोई वैल्यू ना आने का मतलब होता है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन से हमको यह बात का पता चलता है कि हमारे बैटरी कनेक्टर की प्लस माइनस की लाइन क्या हो गई दोस्तों, ब्रेक हो गई है। प्लस माइनस की लाइनें क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, प्लस माइनस की लाइनें टूट गई है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से लिख भी दूंगा, समझा भी दूंगा, आप थोड़े समझ लीजिए पहले अच्छे से। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आता था, इधर से भी वैल्यू आता है और दूसरी तरफ से भी चेक करने पर वैल्यू आता है। अगर बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज कंडीशन। क्या बोलते हैं, लीकेज कंडीशन। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आता है तो इसे हम बोलते हैं लीकेज कंडीशन। लीकेज कंडीशन का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में जितनी भी आउटपुट की सप्लाई है, जो बैटरी कनेक्टर के बाद सप्लाई आईसी तक पहुंच जाती है, आईसी के बाद जो दूसरी सप्लाई निकलती है जिसको सेकेंडरी लाइन बोला जाता है, यानी आउटपुट लाइन बोला जाता है, अगर उस लाइन के अंदर शॉर्टिंग होती है तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आती है। दोनों तरफ से वैल्यू आने से हमको यह पता चलता है कि हमारे मदरबोर्ड में जितनी भी आउटपुट सप्लाइयां हैं उस आउटपुट सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग है। किसमें शॉर्टिंग है, आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है, तो इसको हम लोग इसकी भाषा में लीकेज कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद चौथी कंडीशन आती है, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोस्तों दोनों तरफ से बीप आती है। बीप आने का मतलब होता है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग है। क्या है, मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग है। यदि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं और बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आता है, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आता है तो दोनों तरफ से बीप आने का मतलब होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर, हमारे मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग बोलते हैं। तो कोई भी फोन है यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं,
एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं वो देता, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओके कंडीशन। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर, दोनों तरफ से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं देता, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब होता है हमारे मदरबोर्ड की प्लस माइनस सप्लाइयां ब्रेक हो गई हैं। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू देता है, क्या देता है, दोनों तरफ से वैल्यू देता है, तो दोनों तरफ से वैल्यू देने का मतलब होता है लीकेज कंडीशन। क्या बोलते हैं, लीकेज कंडीशन। लीकेज कंडीशन का मतलब होता है यदि हमारे सप्लाई लीक हो जाएगी, तो इसको हम लोग लीकेज कंडीशन बोलते हैं, जिससे हमारा मदरबोर्ड चालू नहीं होता, हमारे मदरबोर्ड के आउटपुट हिस्से में शॉर्टिंग होती है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आती है, तो बीप आने का मतलब होता है कि हमारे फोन के अंदर शॉर्टिंग है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो प्लस माइनस की लाइन है वो प्लस माइनस की लाइन आपस में शॉर्ट हो गई है। तो इस तरीके से मैंने आपको चार अलग अलग तरीके की सिचुएशन जनरेट होती है हमारे मदरबोर्ड को चेक करते समय, चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन चेक करें, एंड्रॉयड मोबाइल फोन का मदरबोर्ड चेक करें, या आप कीपैड मोबाइल फोन का मदरबोर्ड चेक करें, किसी के मदरबोर्ड को चेक करें, सभी को चेक करने का एक ये जनरल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जनरल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग जनरल टेस्टिंग कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन होता है, जब मोबाइल फोन खराब हो जाता है, आप किसी दुकान वाले के पास जाते हो, वो दुकान वाला जो शॉपकीपर है, जो रिपेयर करने वाला जो टेक्नीशियन है, वो क्या काम करता है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर लगाता है। अब बी पॉइंट पर लगाने के बाद एक छोटी सी पहली प्राइमरी टेस्टिंग मारता है, उस प्राइमरी टेस्टिंग मारने के बाद उसके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको बता देता है कि आपको क्या कहना है और इस मदरबोर्ड के अंदर हमको क्या ठीक करना है, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं एक बार में, जनरल चीजें है ना। तो ये दोस्तों एक हमारी जनरल टेस्टिंग है, जिसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को ये चेक कर पाते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में क्या सिचुएशन जनरेट हो रही, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे। अभी मैं चारों चीजों के बारे में एक एक करके वन बाय वन करके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास मोबाइल फोन इस कंडीशन में होगा तो आप क्या रिपेयर करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल फोन इस कंडीशन में होगा तो क्या रिपेयर करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल फोन इस कंडीशन में होगा तो आप क्या रिपेयर करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल फोन इस कंडीशन में होगा तो क्या रिपेयर करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, इन सब चीजों का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो देखें, अच्छे से देखें, और अगर वीडियो तुम्हारे एक बार भेजे में नहीं घुसता तो उसको चार चार बार देखो ताकि अच्छे से समझ सको। अगर हम भी आपको सिखाने में मेहनत कर रहे हैं तो आप भी दोस्त सीखो, कुछ ना कुछ नई चीज सीख करके अच्छे से रिपेयरिंग करना स्टार्ट करो। चलिए, तो ये हमने चार टॉपिक आपको बताए, ये चारों टॉपिक कहां पर चेक करने वाले हैं दोस्तों, बैटरी कनेक्टर में चेक करने वाले हैं। अब चलो चलते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे। तो मोहित सर आइए, थोड़ा सा दिखाइए सभी लोगों को कि कैसे इसको चेक कर पाएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझाते हैं आपको। मेरे पास मोबाइल फोन है, ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, इस एंड्रॉयड मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा है। मैं फोन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हमारे पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में जब आप देखेंगे तो जो नीचे की तरफ लगा होता है इसको हम लोग यूआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूआई बोलते हैं। इस यूआई से, यूआई के बाद ये डिस्प्ले कॉम्बो का पत्ता आता है जो ऊपर मदरबोर्ड में जाता है, एलसीडी का पत्ता है, इसको हम लोग सब पत्ता बोलते हैं, और सब पत्ता के बाद ये सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सप्लाई आने के बाद ये आपका मदरबोर्ड है, पूरा मोबाइल फोन का मेन बोर्ड है, और इस बोर्ड के अंदर जो अंदर जाली आईसी लगी हुई है, लेकिन हम सबसे पहली बार जो प्राइमरी टेस्टिंग मारते हैं वो प्राइमरी टेस्टिंग हम लोग यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर मारते हैं। कहाँ पर मारते हैं, बैटरी कनेक्टर मारते हैं। उसके बाद फिर हम, ये हमारे पास कीपैड मोबाइल फोन है, इस कीपैड मोबाइल फोन में देखेंगे तो इसमें भी ये बैटरी कनेक्टर लगा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, ये बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर में हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, उसका चेक करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको कीपैड फोन को चेक करके बताता हूँ, फिर मैं आपको एंड्रॉयड फोन को चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर आप मल्टीमीटर देखिए, मैंने रख दिया है, ये मल्टीमीटर को हमने बी पॉइंट पर सेट किया है। सर सबको दिखाइए थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में, ये मल्टीमीटर को मैंने कैसे बी पॉइंट पर सेट किया हुआ है। यहाँ पर बीप आ रही है, आ रही दोस्तों भी। अब देखिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये बैटरी कनेक्टर लिया, बैटरी कनेक्टर में हम लोग चेक करेंगे। चेक करने पर जैसे चेक किया, देखो ये कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, हमने प्लस माइनस पे लगा रखा है। जब हम इसको रिवर्स चेक करेंगे तो देखना रीडिंग बताएगा, ऐसे
ये रीडिंग बता रहा है, कितना बता रहा है 445। हमने क्या बताया था कि 250 से लेके 600 के बीच में अगर रीडिंग आती है तो इसका मतलब होता है ये मदरबोर्ड की ओके कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ओके कंडीशन है। तो ये हमारे फोन में कोई कस्टमर बनाने के लिए फोन आया तो हमने पहले फोन लिया, पहले टेस्टिंग बैटरी कनेक्टर पर मारा, बैटरी कनेक्टर मारा, बैटरी कनेक्टर में सही बता रहा है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के मदरबोर्ड पे चेक करेंगे, इसके प्लस माइनस पे जैसे हम लोग ऐसे टेस्टिंग मारेंगे, देखो इसमें एक तरफ से बता रहा है 508। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करके चेक करेंगे, दूसरी तरफ से हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, 1816 वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है। दोनों तरफ से वैल्यू आने का मतलब होता है कि हमारा मदरबोर्ड लीकेज कंडीशन में, हमारे आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो ऐसा है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये अगर 1500-1600 से ऊपर रीडिंग आती है तब भी हमारा मदरबोर्ड सही होता है, बहुत मामूली सा लीकेज होता है जिससे मोबाइल फोन हल्की सी बैटरी ड्रेन करता है लेकिन फोन हमारा चलता रहता है। 1813 बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से चेक किया तो दूसरी तरफ से चेक करने पर हमारा ओके रीडिंग बता रहा है, 510 रीडिंग आ रही है, GR वैल्यू आ रही है। इसका मतलब होता है कि हमारा मदरबोर्ड सही है और हमारा मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा और इसको हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल ये मोबाइल फोन हल्का सा पानी में गया हुआ है, रेड कलर से देखेंगे ये स्टिकर है, रेड कलर से हो गया है। और इस तरीके से हम लोग दोनों पहली प्राइमरी टेस्टिंग मारते हैं कि पहले मदरबोर्ड बैटरी कनेक्टर को मैंने चेक करके बताया। अब देखिए मेरे पास दूसरा एंड्रॉयड मदरबोर्ड है, तो दूसरे एंड्रॉयड मदरबोर्ड में मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर चेक किया, हमारा कोई वैल्यू नहीं आ रही है। हमने जब इसको उल्टा करके चेक किया, रिवर्स टेस्टिंग करी, तो इसमें से हाँ एक तरफ से आ रही है, कितने आ रही है, 496। तो ये हमारा मदरबोर्ड प्रॉपर ओके, इसमें एक तरफ से वैल्यू आ रही है, एक तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैंने दो तीन मदरबोर्ड में मैंने आपको चेक करके बताया, अब मैं आपको बोर्ड में डिटेल समझाता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये मदरबोर्ड के बारे में बताया है कि डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे चेक करेंगे। अच्छा, इस चीज को मैंने तुमको प्रैक्टिकली भी चेक करके बताया है कि उसको कैसे प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट करेंगे और उसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट लोग आते हैं उनको ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है, और ये वीडियो के माध्यम से आज दोस्तों मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आया है, डेड मोबाइल फोन की जनरल टेस्टिंग कैसे करते हैं, पहले टेस्टिंग कैसे करते हैं, अब इसके हिसाब से मोबाइल फोन कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में एक बार स्टेप बाय स्टेप सब चीज के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, और कैसे उसको चेक किया जाएगा, उसको चेक करने का तरीका क्या है, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा भी और उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कमेंट जरूर करें। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम आपको इतना मेहनत करके अगर वीडियो सिखा के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करें ताकि और लोगों को भी ऐसी वीडियो मिल सके, वो लोग भी वीडियो के माध्यम से वॉच कर सके, वीडियो के माध्यम से सीख सकें। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर हम लोग दोस्तों अगर आपको सिखाने में इतनी मदद कर रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से सारी बातों के बारे में समझा रहे हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको इसके माध्यम से हम आपको और नई नई चीज जानकारी है, नई नई इन्फॉर्मेशन दे पाएं। और अगर आप दोस्तों अगर इसी तरह से अगर आप पूरा काम सीखना चाहते हैं, पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक मोबाइल फोन को कैसे बेहतर तरीके से रिपेयर किया जाएगा और अपनी हैंड स्किल को परफेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्त आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके के कोर्स को पूरा कंप्लीट तरीके से सीख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काफी साल से काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से मोबाइल फोन नहीं रिपेयर कर पाते, या मोबाइल फोन में लॉक नहीं तोड़ पाते, या मोबाइल फोन में FRP नहीं हटा पाते, या मोबाइल फोन में पैटर्न पासवर्ड पिन नहीं तोड़ पाते, डाटा रिकवर नहीं कर पाते, या मोबाइल फोन की ICO को नहीं रिपेयर कर पाते, या मोबाइल फोन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको नहीं ठीक कर पाते, अगर ऐसी कोई भी आपके अंदर समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सुझाव चाहिए तो भी आप फोन करके ले सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उससे पहले दोस्त फोन कर लें, और फोन करने के बाद आपको कब आना है, किस तारीख में आना है, कब सीखने के लिए आना है, इस चीज के लिए थोड़ा सा परामर्श कर लें ताकि हम आपको बता दें। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको काफी दिन से अपना प्लानिंग बनाते रहते हैं, बाद में अचानक
आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं आपको सिखाने में, मैनेज करने में। तो आप ऐसा काम करें कि हम आपको सिखा पाएं अच्छे से और आप अच्छे से सीख पाए। मेरे पास सजीव 25 से 30 स्टूडेंट का पूरा कंप्लीट सेटअप है, जिसमें सारे जितने बच्चे लोग आते हैं अच्छी तरीके से सीख करके जाते हैं, और उतने ही बच्चे, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकली काम है, हम उतने ही बच्चों को लेते हैं जितने बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा पाए। ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह बहुत सारे भर लिए और हम हर बच्चों को पर्टिकुलर तरीके से टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि एक बच्चे को एक टॉपिक को सिखाने के लिए सजीव 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अगर जब 15 से 20 बच्चों का बैच बनता है तब वो अच्छी तरीके से हम हर एक एक करके हर एक बच्चों को एक एक चीज को समझा पाते हैं। और अगर एक साथ में बच्चे बैठे हैं 50 और हम अकेले, तो फिर सर कैसे हो पाएगा? फिर तो समय नहीं मिल पाएगा ना। पता चला मैं 4 को बताते बताते गया तो आगे हमारा समय खत्म हो गया और वो बच्चा पूरा समय देता रहा, महीना भर हो गया, पता चला सीख ही नहीं पाया। तो इसलिए सर हम उसी बच्चों को लेते हैं जितने बच्चों को हम अच्छी तरीके से सिखा पाए। और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है तो आप सर हमसे जरूर संपर्क करें। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें और इस वीडियो से संबंधित और भी इसकी आगे पीछे की वीडियो पड़ी हैं, आप उन वीडियो को भी देखें, ताकि आप ये जज कर सकें कि हमारा सिखाने का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है, और हम आपको कितना बेहतर और अच्छी तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।